जवाब सुनना चाहती हूँ, हम जानते हैं बट क्या हम करते हैं? नहीं कर पाएंगे, राइट। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी चीजों के बारे में जिनको आप करके एक अच्छी खूबसूरत स्किन एंजॉय कर सकते हो। हर व्यक्ति चाहता है खूबसूरत स्किन एंजॉय करना, हाँ सब चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको और मेरे घर में बचपन से ही हमें कुछ आदतें डाली जाती है। कितने लोग रोज टीथ ब्रश करते हैं और कितने लोग रोज नहाते भी हैं? मेरे सवाल में भी अटपटे हो गए हैं। जब हम डेली नहाते हैं, डेली टीथ ब्रश करते हैं, तो हम अपनी ओरल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं और ये हमें बचपन से ही हमारे घरों में सिखाया जाता है। लेकिन स्किन केयर की आदत हमारी फैमिलीज में बचपन से नहीं डाली जाती है, राइट। सो आज मैं आपसे जो मांग रही हूँ इस ट्रेनिंग के बदले, वो ये है कि आप एक आदत अपनाएंगे, हैबिट अपनाएंगे। और ये जो आदत है इसको करने में पता है क्या लगता है? 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। क्या फायदे हैं? आपकी स्किन यंग हो जाएगी। यंग एज इन ऐसा नहीं है कि एजिंग रुक जाएगी। हमारी उम्र बढ़ेगी तो एजिंग तो होगी, लेकिन एजिंग का जो प्रोसेस है वो धीमे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो आप अपनी उम्र के साथियों से जब अपनी स्किन को कंपेयर करेंगे तो 5 साल या 10 साल आपकी स्किन 10 साल का बेनिफिट भी, यानी कि यंग दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 40 में आप 30 के दिखाई दे सकते हैं। ये फायदा आपको मिल सकता है। जब यंग होते हैं, छोटे से बच्चे की स्किन को देखिए तो कैसी दिखती है? बच्चे की स्किन फ्लॉलेस दिखती है, फ्लॉलेस यानी कि उस पर कोई दाग धब्बे नहीं होते, प्रॉब्लम फ्री दिखाई देती है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सन में एक्सपोजर बढ़ता है, हमारी स्किन की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर स्किन में क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। डिस्कलरेशन, कहीं मेरा कॉम्प्लेक्शन लाइट है, कहीं डार्क है, शेड्स आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो सबसे पहले तो स्किन केयर के लिए सबसे पहला रूल है, आप भी अगर किसी को गाइड करना चाहते हैं ना अपने फैमिली में, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरी स्किन का टाइप क्या है। मेरा स्किन ऑयली है, मेरा स्किन ड्राई है, या नॉर्मल में आता है, या कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं जो ऑल स्किन टाइप का हो। अब क्या होता है, कभी कभी फैमिली में मैं एक फेस वॉश लेकर आती हूँ तो हस्बैंड भी वही यूज कर रहे हैं, मैं भी वही यूज कर रही हूँ, फैमिली में 2 मेंबर्स और हैं वो भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक को तो पसंद आ रहा है, बाकी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो एक की नीड को सूट कर रहा है, बाकी की नीड को, रिक्वायरमेंट को सूट नहीं करता। सो इसीलिए प्रोडक्ट की कमी नहीं है, शायद चुनाव की गलती है। तो स्किन केयर, जैसे मेरा और आपका टूथब्रश क्या है, पर्सनल होता है, हम शेयर नहीं करते ना अपने मेंबर्स के साथ, ऐसे स्किन केयर भी अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं तो स्किन केयर आपकी पर्सनल किट रहेगी, राइट। सो सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरा स्किन ऑयली है या ड्राई है। अब ऑयली स्किन में अगर आप नोटिस करें तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? पिंपल्स और एक्ने की समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? आपने कभी अपनी रसोई में वो देखी है, तेल की बॉटल को देखा है, रिफाइन की बॉटल या घी के बर्तन को देखा है, कैसा होता है? चिकनाहट आ जाती है। चिकनाहट की वजह से क्या होता है? हाँ, तो ऑयल की वजह से क्या होता है? जितनी डस्ट है, पोल्यूशन है, वो सब की तरफ खींच लेते हैं, राइट। ऐसे ही ऑयली स्किन वाले व्यक्ति के साथ होता है। अब डस्ट और पोल्यूशन तो बाहर कमी नहीं है, हम तो दिल्ली में रहते हैं तो आई एम श्योर अपने आप में डिफरेंट लेवल की गंदगी है। सो जब ऑयली स्किन वाला व्यक्ति बाहर जाता है तो जो बाहर एटमोसफेयर में डस्ट और पोल्यूशन है वो उसे अपनी तरफ स्किन में खींचता है। तो डस्ट और पोल्यूशन अकेले नहीं आती, वो साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेकर आती है, जिसकी वजह से स्किन में ब्रेकआउट की समस्या, एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। ऑल्सो आप देखते हैं ऑयली स्किन में क्या होता है, रोम छिद्र एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, और सेक्रेशन ज्यादा होता है उसकी वजह से, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ड्राई स्किन में देखें तो ड्राई स्किन में रोम छिद्र बंद होते हैं। आपने गर्मियों में देखा है गमले में जब पानी नहीं लगाते मिट्टी में तो मिट्टी कैसी हो जाती है? कटी फटी हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं। क्यों जाते हैं क्रैक्स? नमी और मॉइस्चर ना होने के कारण गमले में क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे ही ड्राई स्किन में क्योंकि रोम छिद्र बंद होता है तो नमी आर पार ऑयल सिक्रीट, जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, तो स्किन में खिंचाव और तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से स्किन में जो झुर्रियां हैं या जो खिंचाव है उसकी वजह से रिंकल्स और एजिंग साइंस ज्यादा। तो ड्राई स्किन में क्योंकि पोर्स बंद होते हैं, रोम छिद्र बंद होते हैं और ड्राइनेस ज्यादा होती है, उसकी वजह से ड्राई स्किन समय से पहले बुरी भी हो जाती है, ये भी कहते हैं एजिंग जल्दी हो जाती है ड्राई स्किन से।
ग्लो नहीं रहता, पैचेस आ जाते हैं, चमक नहीं रहती ड्राई स्किन, ठीक है। सो आप ड्राई स्किन को डील करना है तो क्या करना है, नमी को बढ़ाना है, ऑयली को डील करना है तो नमी को कंट्रोल। कुछ लोगों की नॉर्मल त्वचा होती है, आप में से कई लोगों की होगी, कुछ लोगों के साथ होता होगा कि गर्मियों में स्किन हल्की सी ऑयली हो गई और सर्दियों में हल्की सी ड्राई हो गई। ये एक अच्छी स्किन है, नॉर्मल स्किन जो कि बैलेंस बनाया रखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती स्किन में, खूबसूरत भी दिखाई देती है, एक्ने और पिंपल नहीं होते, लेकिन सीजनल होती है, मौसम के अनुसार ही ये फर्क। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में किसी किसी को आप देखते हो कि चेहरे पर, माथे पर, नाक पे और चिन पे ज्यादा ऑयल दिखता है, इसको हम कहते हैं टी जोन, और किसी किसी को यहाँ पर ज्यादा ऑयल आता है उसको हम कहते हैं सी जोन। तो ये दो तरीके की त्वचा जब एक साथ होती है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो उसको उसके तरीके से डील करना है। तो अब सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम से, अगर मुझे बचना है या अपनी स्किन की देखरेख करनी है, तो जैसे अभी मैम ने बताया सोल्यूशन है सीटीएमपी। सीटीएमपी का मतलब क्या होता है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी भी क्लेंजिंग नहीं करता है, सबसे पहला काम हम सब लोग करते हैं विच इज कॉल्ड एज क्लेंजिंग। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्लेंजर का काम क्या होता है, ये आपकी ऊपरी तह है मान लीजिए स्किन की, तो क्लेंजर सिर्फ डस्ट और पोल्यूशन जो आपकी सुपरफिशियल लेयर के ऊपर होता है उसको साफ करता है, ऊपरी तह के ऊपर से डस्ट और पोल्यूशन साफ करने का काम कौन करता है, क्लेंजर। और ज्यादातर लोगों का स्किन केयर क्लेंजिंग के बाद ही खत्म हो जाता है, मानते हैं ये बात आप, ज्यादातर लोग इसके बाद कुछ खास नहीं करते, पहला स्टेप किया, फेस वॉश किया, बस हो गया हमारा स्किन केयर, इतना ही काफी है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, वो हैंड एंड बॉडी लोशन जो हम हाथ पे लगा रहे होते हैं उसी को थोड़ा बहुत मुंह पे लगा लेते हैं खिंचाव की वजह से, इतना ही करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। बट स्किन केयर में देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स जिसकी हम बात करेंगे। अब क्लेंजिंग में अक्सर आप देखेंगे कि हम फेस वॉश लेते भी है, इस्तेमाल भी करते हैं, पर कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब नहाते हैं तो जल्दबाजी में होते हैं, राइट, अक्सर हम लोग नहाते वक्त जल्दबाजी में होते हैं, नहाते वक्त हाथ में क्या होता है, साबुन। तो कई बार आपने देखा होगा हम फेस पर साबुन का इस्तेमाल कर लें, ऑल्सो ये दिमाग भी बैठा हुआ है, ये कहता है जब साबुन से नहा सकते हैं तो जी चेहरे पे भी नहीं लगा सकते। अब इस सवाल का जवाब नहीं होता तो कहते हैं ठीक है साबुन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आता ही है ना, आता है ना। आपने देखा स्किन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, हाथ पे आपने जाइया पिंपल लेकिन आते हुए देखे प्रॉब्लम कहाँ आती है, फेशियल स्किन पे। क्यों, क्योंकि फेशियल स्किन जो है शरीर की बाकी स्किन के मुकाबले ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव है, और क्योंकि ये डेलिकेट और सेंसिटिव है इसीलिए इसे डेलिकेट प्रोडक्ट की जरूरत है, इसीलिए साबुन का इस्तेमाल फेस पे नहीं करना, राइट। सो हमेशा अपनी स्किन के अनुसार क्लेंजर का चुनाव करें। अच्छा मोदी के एक प्रोडक्ट इंच लेकर आता है श्लोका के नाम से, अर्बन श्लोका जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और उसमें आपकी सब प्रॉब्लम्स का समस्या का समाधान है। अगर ऑयली स्किन है तो हमारे पास एक क्लेंजर है, उस क्लेंजर का नाम है एप्रिकॉट एंड टी ट्री, उसमें टी ट्री है जो ऑयली स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है। ड्राई स्किन है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, उसमें आर्गन ऑयल है जो ड्राई स्किन में ड्राइनेस को दूर करता है, नमी और मॉइस्चर देता है। सो ऐसे स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट है, नॉर्मल स्किन है तो नीम और गुट वाला प्रोडक्ट है हमारे पास जो आप हर मौसम में लगा सकते हैं। अगला स्टेप आता है क्लेंजिंग के बाद जिसको हम कहते हैं टोनिंग। अब ज्यादातर लोग अगर मैं आपसे पूछूं, आप सबने फेशियल कभी ना कभी तो ट्राई किया होगा ना, सबने किया होगा, तो जब हम फेशियल कराते हैं तो क्या होता है, जब आप फेशियल कराते हैं तो ब्यूटिशियन डीप क्लीनिंग करती है, तो डीप क्लीनिंग करती है कॉटन पे कुछ गंदगी निकल के आती है, कैसे आती है कॉटन पे गंदगी, या मैं और आप नहा के पार्लर नहीं जाते, जब वो डीप क्लीनिंग करती है तो डर्ट निकलता है, डर्ट कहाँ से आया, हमने फेस वॉश किया हुआ था पर डर्ट मेरे और आपके पोर्स में रोम छिद्र में एक्युमुलेट हो जाता है, राइट। तो जब फेशियल करते हैं तो रोम छिद्र को क्लीन करते हैं तो गंदगी निकल कर आती है। अब आप मुझे बताइए हम लोग कितने समय में फेशियल कराते हैं, ऑनेस्ट जवाब चाहिए मुझे ना, जो हम कराते एक साल में, ये करेक्ट आंसर है, मेजॉरिटी कुछ लोग होंगे जो महीने के महीने कराते हैं, बट उनका जो नंबर है वो 20 में से एक है, सो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, करवा चौथ करवा चौथ, घर में कोई शादी आ गई तो फेशियल करवाया है। तो ये जब इतना लंबे में फेशियल होता है तो फेशियल क्या करता है, फेशियल ग्रोथ
फ्लो नहीं देता, वो छह महीने या एक साल की छुट्टी हुई जो गंदगी है रोगचंद्र में उसको साफ करता है। ग्लो का काम कब करेगा फेशियल? जब आप क्लीन स्किन के साथ जाएंगे और क्लीन स्किन आप घर में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जिसको हम कहते हैं टोनिंग। आपने अपना फेस वॉश किया, ये मेल मेंबर्स के लिए भी टोनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आप बाइक चलाते हैं तो एयर पेनिट्रेट करती है आपकी स्किन में, पोर्स में, तो वो जो डर्ट है वो जाके हमारे पोर्स में एक्युमुलेट हो जाता है। और जब हम केवल क्लेंजिंग कर रहे हैं जो कि ऊपरी सफाई कर रहा है, रोमचंद्र को तो कोई क्लेंजर साफ नहीं करता, वो सिर्फ ऊपरी सफाई कर रहा है, तो हमारी जो नीचे की लेयर्स हैं उसमें जो डर्ट है वो एक्युमुलेट होती रहती है। और जब हम फेशियल भी नहीं कराते तो मेरी स्किन का जो एक्चुअल ग्लो है या जो एक्चुअल पोटेंशियल था आज से 5 साल पहले 10 साल पहले, अब वो उतनी खूबसूरत स्किन नहीं है, राइट। तो इसीलिए टोनिंग जब आप करते हैं, टोनिंग कब करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आपने जब तोलिए से मुंह पोंछ लिया, टॉवल ड्राई कर लिया, तो आप 3-4 ड्रॉप्स टोनर की लें। 3-1 टोनर है मुझे कहता है जो क्लेंजिंग और टोनिंग दोनों करता है, कॉटन पे लें और उससे अपने चेहरे और गर्दन को पोंछें। जब आप टोनिंग की आदत की शुरुआत करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि टोनर आपके पोर्स को डीप क्लीन करेगा। तो जब वो पोर्स को डीप क्लीन करेगा तो शुरुआत में चेहरा वॉश करने के बाद भी आप कॉटन पे कुछ गंदगी देख पाएंगे क्योंकि वो आपके रोमचंद्र को साफ करेगा। तो ये टोनिंग का काम है, पोर्स को डीप क्लीन करना। तो टोनिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है, वो ना केवल आपकी स्किन को अंदरूनी सफाई करती है बल्कि आपके पोर्स के साइज को भी मिनिमाइज करती है जिससे कि गंदगी उसके अंदर ना जाए। उससे वाइप करना, वाइप करना आपको हल्के हाथ से उससे चेहरे और गर्दन को। उसमें तो तीनों चीजें हैं। हाँ, क्लेंजिंग उसको किस तरीके से, उसको आपने कॉटन पे लेना है, फेस वॉश आपने कर लिया, टॉवल से सोच लिया, फेस वॉश के बाद आप उसे चेहरे और गर्दन से को साफ कर सकते हैं। क्या होता है आपके वैसे तो उसको क्लेंजिंग के बेनिफिट्स भी दे रहा है, लेकिन हमें जब तक फेस वॉश हम किसी लादर वाले प्रोडक्ट से नहीं करें मजा नहीं आता है। आजकल क्या है, सर्दियों का मौसम है और शादियों का सीजन भी है, आपके साथ होता होगा रात को जब 1 बजे शादी से आते हैं और चेहरे पे मेकअप लगाया हुआ है तो मुंह धोने का मन नहीं करता, पर धोना जरूरी है क्योंकि मेकअप लगा के धोना चाहिए अपनी स्किन को, आप बहुत नुकसान करते हो मेकअप लगा के। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने फटाफट से टोनर लिए, 2 कॉटन को आप लेके बैठे, उसमें टोनर लिया और उसके अच्छे से चेहरे पर आप अपना आंखों का मेकअप भी उससे रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी आंखों का मेकअप भी रिमूव कर देते हैं। तो आप रात को जरूर टोनिंग लीजिए, और मैं भी रात को टोनिंग घर में नहीं कर पाते तो रात को टोनिंग की आदत अगर आप एक टाइम भी करेंगे आपकी स्किन बहुत क्लीन। तो जब आपके पोर्स क्लीन रहेंगे तो आपकी स्किन साफ रहेगी, और क्लीनिंग के बाद जब आप रोमचंद्र साफ करने के बाद आप आपकी स्किन पे 15-20 दिन बाद टोनिंग करके आपकी स्किन फॉर्म और टाइट रहेगी, आपको फर्क शुरू हो जाएगा। टोनिंग के बाद अगला स्टेप क्या होता है, मॉइस्चराइजर। अब बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर केवल सर्दियों में लगाते हैं, राइट, और गर्मियों में बहुत कम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं। कितने लोगों ने आज मॉइस्चराइजर लगाया, कैन आई सी हैंड, काफी 7-8 लोगों ने लगाया। मॉइस्चराइजर कब लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 12 महीने 365 दिन और कम से कम 2 बार लगाना चाहिए। क्यों, अंगूर देखा आपने और किशमिश देखी आपने, दोनों की शक्ल में क्या फर्क है, समझ गए हूं, लॉस ऑफ वाटर, पानी नहीं है। अंगूर में पानी होता है तो उसमें क्या होता है, जूस की वजह से उसकी स्किन कैसी दिखाई देती है, टाइट फॉर्म, राइट। और किशमिश में जूस नहीं होता तो स्किन कैसी दिखाई देती है, क्रिंकल, राइट। सो अभी आपके ऊपर है आप कैसी स्किन चाहते हो, अंगूर जैसी या किशमिश जैसी। सो हर आर्टिकल अगर आप पढ़ो मैगजीन में उसमें लिखा होता है कि मेरी खूबसूरत, कोई भी आप ब्यूटी एक्ट्रेस की बात करें या कोई भी स्टार की बात करें, वो कहते हैं आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, मैं खूब सारा पानी पीती हूँ अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए, 8 ग्लास पानी। पानी क्या करता है, पानी जब आप पीते हैं तो आपकी स्किन को इंटरनली हाइड्रेशन करता है, हाइड्रेट करता है। हाइड्रेशन चाहिए इंटरनली भी और एक्सटर्नली। जब आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो आप एजिंग तो हो रही है, एजिंग को नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ देते हो कि जो होना होगा। जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आप नेचर के विपरीत काम कर रहे हैं, आप एजिंग को स्लो कर रहे हैं, नमी देकर, स्किन को खुराक देकर, राइट।
अब कई लोग मैंने सुना है मॉइस्चराइजर इसलिए नहीं लगाते कि जब पसीना आ जाता है ना। पुराने समय में अगर आप याद करें बचपन में मेरी और आपकी मदर की किट्स में या तो चार्मिस मिला करती थी या पॉन्ड्स की नहीं रहती उनकी क्रीम मिला करती थी ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट आते थे बाजार में पुराने और वो क्या होते थे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो जब आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाएंगे तो पसीना आता है आई एग्री। लेकिन आज मार्केट में जैसे साइंस डेवलप कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं मॉइस्चराइजर में कई तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है आज मार्केट में जेल बेस्ड प्रोडक्ट है और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। अब जिन लोगों का ऑयली स्किन है उनको अगर आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो जिनका मॉइस्चराइजर हर स्किन को चाहिए ऑयली को भी चाहिए लेकिन ऑयली को वाटर बेस्ड प्रोडक्ट लगाने से फायदा मिलेगा क्योंकि हाइड्रेशन मिलेगी चिकनाई नहीं मिलेगी। जेल बेस्ड प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया काम कर सकता है ऑयली स्किन पे लेकिन अगर स्किन ड्राई है तो जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड प्रोडक्ट कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ज्यादा चिकनाई की जरूरत है। तो ड्राई स्किन को कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे क्रीम बेस्ड और अगर नॉर्मल स्किन है तो क्या करेंगे मौसम के अनुसार लगा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में वाटर और जेल और सर्दियों के मौसम में क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगा सकते हैं ये सही तरीका। आप देखेंगे कभी भी स्किन में खिंचाव या पसीना की समस्या नहीं आएगी अगर आप राइट प्रोडक्ट लगाएं। सो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिबिस्कस पपाया मॉइस्चराइजर क्यूब में आता है और वो ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। और एक प्रोडक्ट है रेजुविनेटिंग डे क्रीम वो नॉर्मल स्किन के लिए है। ड्राई स्किन के लिए शिया बटर फेशियल क्रीम के नाम से प्रोडक्ट है। सो ऐसे अलग अलग स्किन के हिसाब से इसीलिए मैंने कहा कि CTM मेरा पर्सनल होता है ठीक है। और जब आप अपना एक CTMP का पैक लेते हैं तो वो आपको आराम से 3 से 4 महीना चल जाता है। एक एक इंडिविजुअल अगर यूज कर रहा है तो मेरा आराम से 4 महीने चल जाता है। तो जब आप स्किन केयर 4 महीने के लिए लेते हो और वो स्किन केयर आपको 1000 रुपए का कॉस्ट किया फॉर एग्जाम्पल टोटल CTMP तो कितने रुपए की कॉस्ट आ गई पर महीने आपकी 250 रुपए की कॉस्ट आ गई राइट। सो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक 250 रुपए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा जो आपको करना है वो इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसों से भी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट क्या है मैं तो हमेशा कहती हूँ स्किन केयर बाद में खरीदो पहले कॉटन का बंडल खरीदो क्योंकि बहुत सारे लोग स्किन केयर के प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं लेकिन क्योंकि कॉटन में आए तो भी मैं शुरू तो कॉटन का एक बंडल पहले खरीद लीजिए और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो 10 मिनट जो मुझे और आपको निकालने एंड बिलीव यू मी आप जब 10 मिनट अपनी स्किन को लगाएंगे ना और एक महीने के अंदर जब आप सुबह ब्रश करेंगे ना आईने के सामने आपको अपनी स्किन में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो क्लेंज टोन मॉइस्चराइज के बाद हम क्या करते हैं मॉइस्चराइजर के ऊपर से हमेशा सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन क्या करता है टैनिंग से तो बचाता ही है लेकिन साथ साथ डिसकलरेशन से बचाता है। डिफरेंट जो शेड्स आ जाते हैं या पिगमेंटेशन आ जाता है झाइयां आ जाती हैं उससे हमारा बचाव कौन करता है सनस्क्रीन करता है राइट। सो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे CTM दो टाइम करते हैं तो सनस्क्रीन दो टाइम होता है मैं बताऊंगी मैं आपके लिए बताऊंगी मैं सिर्फ अभी डे के स्टेप्स बता रही हूं ठीक है। सो ये आपको क्लेंज टोन मॉइस्चराइज प्रोटेक्ट दिन में करता है। सो डे में जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं सनस्क्रीन में SPF का मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है और सनस्क्रीन में नंबर लिखा होता है 15, 30, 50 इसका क्या मतलब है सनस्क्रीन की जो एज लिमिट है वो लगभग 10 मिनट काम करती है राइट। सो अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर 15 SPF है तो 15 × 10 का मतलब क्या हो गया कि वो लगभग प्रोडक्ट आपको 2.5 घंटे 140 से 150 मिनट की सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट आपको देगा। सो कई बार होता है कि मुझे लगता है कि जी मेरा एक्सपोजर ज्यादा नहीं है मुझे सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है तो हम लोग इस वजह से सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं हमारे घर में जिनसे सिमिलर तरीके का डैमेज हमें मिलता है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ सुबह जल्दी निकल जाती हूँ आइडियली जो 11 से 3 बजे का सन है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल रहता है। मैं टीचर हूँ मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाती हूँ क्योंकि टीचर हूँ 8 बजे से शुरू हो जाता है मेरा दिन
और 3 मिनट मैं साथ में ही रहती हूँ, या मैं बच्चों के साथ छुट्टियों पे जा रही हूँ, गोवा जा रहे हैं, मार धूप में रहेंगे। जब आपको लगता है कि हमारा ज्यादा डायरेक्ट सन के नीचे एक्सपोजर है तो कम से कम 50 SPF लगाइए, फुल कवरेज के लिए 30 SPF लगाइए। और अगर आपको लगता है कि मेरी कवरेज, मेरी जरूरत बहुत कम है, मैं कम बाहर जाती हूँ, तो आप 15 SPF का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 15 SPF में हमारे पास जेल वाला प्रोडक्ट आता है जो कि ऑयली स्किन के लिए एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। सो आप ये लगा सकते हो ऑयली स्किन को, नेचुरल फेयरनेस जेल के नाम से प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी खुशबू है इस प्रोडक्ट की और बहुत अच्छा फील है इस प्रोडक्ट का, ऑयली स्किन के लिए एक्सेलेंट है। पर ये 2.5 घंटे ही काम करता है, तो मुझे अगर इस प्रोडक्ट को दोबारा, मुझे अगर दोबारा सन प्रोटेक्शन चाहिए, लंबा सन प्रोटेक्शन चाहिए, तो मुझे इस प्रोडक्ट को दोबारा रीअप्लाई कर लेना चाहिए 2.5 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग, और ये करने में 5 मिनट, मुझे बताने में जरूर आपको 20 मिनट लग गए हैं, लेकिन करने में 5 मिनट। फेस वॉश किया, कॉटन स्पे टोनर लिया, चेहरे और गर्दन को साफ किया, मॉइस्चराइजर लिया, सनस्क्रीन लिया, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, डैब किया और ब्लेंड किया, हो गया। इतना ही काम है, इसमें कुछ देर नहीं लगती। और आप हमेशा मॉइस्चराइजर को यहाँ पर ना ले, यहाँ पे हैंड एंड बॉडी लोशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन लें, प्रोडक्ट की वेस्टेज कम होगी। आपने यहाँ लिया, डॉट डॉट लगाया चारों तरफ चेहरे पे, और फिर फिंगर टिप से ब्लेंड कर लिया, आपका प्रोडक्ट लंबा चले। रात को मुझे क्या करना है, रात को मुझे वही करना है, क्लेंज टोन करना है और रात को नरिश करना है। रात को आप क्लेंजर टोनर से भी क्लेंज टोन कर सकते हो। आपने कॉटन पे टोनर लिया, मन नहीं है मुंह धोने का, मत धोइए, कॉटन पे टोनर लिया, अच्छे से उसे गीला किया और एक कॉटन से अच्छे से चेहरे और गर्दन को पोंछा, फिर दूसरी से वाइप कर लिया, हो गया आपका क्लेंजिंग टोनिंग। और रजाई में घुस गए, अपना नाइस क्रीम लिया हाथ पे, थोड़ा सा लक्कड़ लगाया, अपना रजाई में घुस के अपने चेहरे पे लेटे लेटे उसको ब्लेंड कर लिया, इतना सा काम। नाइट क्रीम बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग फेशियल से ग्लो एक्सपेक्ट करते हैं, फेशियल से ग्लो आता है, लेकिन कब आएगा, जब आप क्लीन स्किन के साथ जाएंगे, अदरवाइज वो 6 महीने की क्लीनिंग ही करता है और कुछ नहीं करता। नाइट क्रीम का काम होता है रिपेयर, जो स्किन है हमारी सेल से बनी है और ये सेल्स जो है ये डैमेज होती रहती है, सो इन डैमेज सेल्स की रिपेयर का काम कौन करता है, नाइट क्रीम। सो नाइट क्रीम मेरी और आपकी स्किन को, इसीलिए एंटी एजिंग्स में आप देखते हैं अक्सर नाइट क्रीम्स आती हैं, जो कि एंटी एजिंग बेनिफिट तो देती है, बिकॉज रिपेयर का काम कर लेती है। रिपेयर रात को आसानी से होती है, क्योंकि आप क्लीन स्किन के साथ सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, आपकी स्किन भी रिलैक्स कर रही है, और नाइट क्रीम थोड़ी थिक होती है, तो ये थिक क्रीम आपके पोर्स में नीचे जाकर, और क्लीन पोर्स अगर होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, राइट। सो आपके पोर्स में नीचे जाके नाइट क्रीम जो है आपको स्किन को रिपेयर का काम, तो आप 20-25 दिन नाइट क्रीम लगा लीजिए, आपको अपने चेहरे में चमक या यूथ या स्किन ज्यादा फॉर्म दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी आदत है, और ये नाइट क्रीम भी आसानी से 3 मंथ्स चल जाती है, जब आप उसको रेगुलर करना, क्या है रूल, क्या है, यहाँ नहीं लेना, यहाँ लेना, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे और लगाएंगे। सो ये हमारा स्किन केयर हो गया डेली का, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात। इसके अलावा वंस इन अ वीक हम सब लोग, मेन भी फीमेल्स भी, एक्सफोलिएट जरूर करें। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है स्क्रबिंग। कई बार हम अपनी नोज को हाथ लगाते हैं स्किन को, या कई बार धूप में, आजकल सर्दियों में बाहर भी बैठते हैं, आईना लेके एक बार अपना फेस को देखने का, हमारे चेहरे पे लॉट ऑफ टाइम हम नहीं ऑब्जर्व करते, क्योंकि अक्सर हम लोग शीशा अंदर देखते हैं, घर में नहीं पता चलता है। आपकी रेड स्किन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हमारी स्किन में होते हैं। सो ये जो है डेड स्किन है, या ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, इनको आप हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार, कम से कम 15 दिन में तो जरूर एक बार इसको एक्सफोलिएशन करना चाहिए। मैक्सिमम आप कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएशन, नहीं तो 15 दिन में एक बार तो जरूर करना चाहिए। स्क्रबिंग से क्या होता है, डेड स्किन जो है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, ये जेंटली रिमूव हो जाते हैं। सो ये रिमूव हो जाते हैं तो क्लीन स्किन होती है, लेकिन एक्सफोलिएशन से क्या होता है, स्क्रबिंग में से कितनी देर करनी चाहिए, 2 से 3 मिनट काफी होता है। हमेशा पानी का हाथ लगाएं, फेशियल स्किन को जितना हल्का, जितना प्यार से आप ट्रीट करेंगे, उतना अच्छा वो आपको रिजल्ट देगी। तो कभी भी रगड़ना नहीं है फेशियल स्किन को, हमेशा हल्का हाथ। ऑल्सो जहाँ पिंपल और एक्ने हैं वहाँ पे स्क्रबिंग नहीं करने हैं, बाकी एरिया को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। और स्क्रबिंग के बाद जैसे ही आप पानी स्प्लैश करते हैं,
तो तुरंत हमें स्किन महसूस होती है क्लीन। हाँ सो हमारे पास एक एवोकाडो ओटमील फेस स्क्रब है मोबीकेयर में, एवोकाडो ओटमील, उसका ग्रैनुलर बहुत अच्छा है और वो जिनकी ड्राई स्किन है उन पे बहुत अच्छा काम करता है, मेन के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को एक्ने या पिंपल्स की शिकायत है यानी कि जिनको थोड़ा सा बारीक ग्रैनुलर चाहिए तो मोरक्कन आर्गन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्क्रब का। ठीक है, स्क्रबिंग के बाद हमेशा फेस पैक जरूर लगाइए 15 से 20 मिनट, क्योंकि स्क्रबिंग से हमारे पोर्स जो है, रोम छिद्र जो है वो खुल जाते हैं। तो जब आप फेस पैक लगाते हैं तो स्किन वापस से फॉर्मर टाइट हो जाता है और ग्लो आ जाता है। सो अगर ग्लो चाहिए, एंटी एजिंग फेस पैक चाहिए तो ऑरेंज पील वाइट क्ले फेस पैक के नाम से प्रोडक्ट है। मेरा बहुत ऑयली स्किन है, बहुत ऑयल आता है चेहरे पे, या गर्मियों के मौसम में मेरा बहुत ऑयली हो जाता है नॉर्मल स्किन वाले, तो नीम एंड रोजमेरी फेस पैक है। नीम, रोजमेरी, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, बहुत अच्छा ठंडक का एहसास भी देता है, स्किन इरिटेशन को भी कंट्रोल करता है। 15 से 20 मिनट चेहरे पे लगाइए और उसके बाद गीला कीजिए, घोलिए और रिमूव करिए। फेस पैक लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत फ्रेश क्लीन महसूस करें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं डेली स्किन के, और जैसे हम घर में डेली साफ सफाई करते हैं, हफ्ते में एक दिन अच्छे से डस्टिंग करते हैं, ऐसे आप हफ्ते में एक दिन अपनी स्किन को स्क्रब और पैक कीजिए। आप इसी प्रोडक्ट क्रीम से फेशियल के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। हमारे पास डीटैन फेस पैक है जो कि टैनिंग को रिमूव करता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको टैनिंग है तो आप 4 हफ्ते लगातार डीटैन फेस पैक लगा दें, आप देखेंगे कि टैनिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। इसके अलावा कुछ होती है समस्याएं, जैसे कि मेरा कॉम्प्लेक्शन पहले बहुत अच्छा था, अब मेरी फेयरनेस उतनी नहीं रही, तो आप बीच में ट्रीटमेंट को डाल सकते हैं। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन यही है CTL की, कोई भी प्रॉब्लम है, पर मुझे फेयरनेस चाहिए तो क्लेंज टोन ट्रीट, एक और टी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट आ जाता है मॉइस्चराइजर से पहले, ये उनको चाहिए जिनको स्किन प्रॉब्लम है। किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्शन की या पिगमेंटेशन की, पिगमेंटेशन झाइया जिसको हम कहते हैं, तो आप फेस वॉश कीजिए, टोनिंग कीजिए, उसके बाद पिगमेंटेड एरिया पे जहाँ पर पिगमेंटेशन है व्हाइटनिंग क्रीम लगाइए और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। व्हाइटनिंग क्रीम दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो, रात को भी यही करना है। क्लेंज टोन करने के बाद पिगमेंटेशन पे फिर से व्हाइटनिंग क्रीम लगाया और उसके बाद अपना नाइट क्रीम लगा दीजिए। राइट, सो ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए इंक्लूड हो जाता है जिनको स्किन में प्रॉब्लम। नहीं, तुरंत तुरंत कर सकते हैं, इमीडिएट इमीडिएट। सिर्फ टोनर का आपको ये ध्यान रखना है कि टोनर आपके फेस पे गीला नहीं होना चाहिए। टोनर करते वक्त ये याद रखें कि जब कई बार होता है, जैसे रात को मैंने कहा कि आपने मेकअप लगाया है तो आपने टोनर कॉटन को थोड़ा सा ज्यादा वेट कर लिया क्योंकि आपको मेकअप निकालना है, तो पहले कॉटन से अच्छे से मेकअप रिमूव कर दीजिए, फिर साफ कॉटन से दोबारा से साफ कीजिए, जिससे कि पोर्स में थोड़ा बहुत जो है तो निकल आएगा। ठीक है, सो जब आपने दोबारा सेकेंड कॉटन लिया तो वो थोड़ा सा ड्राई हुआ, ये हो गया। तो आपको कोई गैप नहीं करना, तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लिया, ट्रीटमेंट लगाया, तुरंत मॉइस्चराइजर लिया, ऊपर से लगा लिया, इमीडिएट कर सकते हैं, कोई गैप की जरूरत नहीं है। हाँ, सनस्क्रीन घर से निकलने से 15 मिनट पहले जरूर लगा लेना चाहिए। पिगमेंटेशन, देखिए पिगमेंटेशन मैम ने बिल्कुल सही कहा, जाता नहीं है। पिगमेंटेशन जाता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं और आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। कंसिस्टेंट समझते हैं, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम लोग ब्रश करने की आदत किसी ने छोड़ी है, रोज करते हैं ना आप भी। हाँ, बचपन में सिखाया था मम्मी ने, पर हमने छोड़ा नहीं है, नाना भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें लगता है वो जरूरी है। ऐसे ही स्किन केयर भी जरूरी है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये इसलिए नहीं करना कि मुझे स्किन प्रॉब्लम, मुझे ग्लो चाहिए टेम्पररी, इसलिए करना है क्योंकि मुझे आदत बना। आदत 70 साल की उम्र में भी काम आती है, तभी आप देखेंगे आपकी स्किन प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी। सो इसे जब आप हैबिट बनाएंगे तो, और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाएगा। उसमें 1 साल का समय लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं मिनिमम 6 मंथ, और मैक्सिमम 2 ईयर्स के टाइम में कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ। कंसिस्टेंट एफर्ट, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए शब्द को, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने किसी से पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट लिया, उसने लिया, मैंने 1 महीने नियम से लगाया और कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रोडक्ट बंद कर दिया। अक्सर ऐसा आजकल बाजार में मेडिकेटेड क्रीम्स भी हैं जो आपने लगाई, पिगमेंटेशन 15 दिन में गायब हो गया, लेकिन उसके बाद चेहरे का हाल और ज्यादा खराब हो गया और रेडनेस के बाद इवेंचुअली वो
डिफरेंट प्रॉब्लम में दिखने लगता है. तो मेडिकेटेड क्रीम्स नो है, आदत अपनाइए क्योंकि सही तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये आपको जिंदगी भर के लिए खूबसूरत कर देगा. मेडिकेटेड क्रीम क्या है, टेम्प्रेरी सोल्यूशन है. मैं मोदी केयर में हूँ तो एक बार एक व्यक्ति से मिली जो कि एक अच्छी एक काफ़ी फेमस मेरी मेड आ रही थी, उसको बहुत पिगमेंटेशन था. तो वो मुझे कहती थी भाभी कोई प्रोडक्ट ला के दो. मैं उसको समझाती थी तो उसको समझ नहीं आता था क्योंकि ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं होता था और इतना मुझे दिखते ही नहीं. तो एक दिन मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल साफ, मैंने कहा तुमने क्या किया. तो मैं समझ गई इसने उसका कोई मेडिकेटेड क्रीम लगाई है. मैंने कहा क्या लगाया, मुझे ट्यूब ला के दिखा. उसने ला के देखे, मैं कह रही भगवान. तो फॉर्चुनेटली मेरे को एक मौका मिला जब वही व्यक्ति जिसकी वो कंपनी थी वो निर्माण विहार ऑफिस में एक बार मुझे आके मिले. मोदी के बिजनेस समझ तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं है, कम्प्लीटली केमिकल है और इसकी वजह से स्किन में यस वी अग्री टू इट कि टेम्पररी सोल्यूशन मिलता है लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आती है. सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उस शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए नहीं जाइए, उससे कुछ नहीं होगा. ये जो एक हैबिट है जो मैंने आपको आज बताई, ये लंबे समय में अगर आपका पिगमेंट भी लाइट नहीं होगा ना तो आपकी जो ओवरऑल स्किन है वो ग्लो करेगी, और जब ओवरऑल स्किन ग्लो करेगी तो पिगमेंट धीरे धीरे लाइटन होना शुरू हो जाएगा और उस पर नजर नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ओवरऑल चेहरे में जो ओवरऑल स्किन है वो बेटर. सो इट्स अ गुड हैबिट, अपनाइए इसको. और गर्दन को ना हमेशा चेहरे की एक्सटेंशन माने, गर्दन को हमेशा चेहरे की एक्सटेंशन माने. जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगा रहे हैं उसको गर्दन पे भी इस्तेमाल करें, ठीक है. यंग एज में स्किन केयर की जरूरत महसूस नहीं होती लेकिन आफ्टर 30s जो ये हैबिट है ये बहुत काम आएगा, ठीक है. 40s में 30s के देख सकते हैं. हाँ ऐसे में अगर यंगर शुरू कर देते हैं यंग एज में, यंग एज में शुरू करने के क्या फायदे हैं. अगर आप 20s के बाद स्किन केयर शुरू कर देते हैं तो फायदा ये है कि आपको एंटी एजिंग हो सकता है 40s में लगानी पड़े, लेट 40s में भी ऐसा हो सकता है लगानी पड़े अगर आपने अपनी स्किन को नियम से ध्यान दिया है तो. ये फायदा आप इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है. सो ये था अबाउट स्किन केयर. कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए.